गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम कर रहे थे एटम एंड न्यूक्लियाई, और एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर ऑलमोस्ट हमारा न्यूक्लियाई जो है वो खत्म हो गया था, एंड वी वर लेफ्ट विद ओनली टू टॉपिक्स। जो आपके पास टॉपिक्स थे वो आपके पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल, दो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है वो हमें समझना है, और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है वो हमें समझना है। अब देखिए, जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन है सपोज आपके पास, उसको जब एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन दो वेज में यूज करता है, या तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो दूसरे ऑर्बिट में क्या कर जाएगा, जो हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट है उसमें मूव कर जाएगा। सेकेंड क्या होगा, उसको अगर वो एनर्जी इतनी सफिशियंट है तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एटम की सरफेस को क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो द लास्ट टॉपिक ऑफ एटम इज एक्साइटेशन। सबको समझ आ रहा है ना, दिख रहा है सबको? एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, बस यही टॉपिक है एटम के अंदर। बाकी एटम वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब भी हम इस एटम को, आपको पता है ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस एटम को जब भी ये एटम एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उससे दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इनर ऑर्बिट से इस आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है। और उसको आपको पता है, सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1 और ये सेकेंड ऑर्बिट है n इक्वल टू 2, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी E1 और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी E2। तो इस प्रोसेस में इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाने के लिए इसको एनर्जी का एब्जॉर्प्शन चाहिए, एनर्जी ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, हाउ मच एनर्जी विल इट एब्जॉर्ब, E2 - E1। आपको पता है E1 में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 को की जो एनर्जी होगी वो होगी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो होगा -13.4 +13.6, दैट मींस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इनर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। और जब ये n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नाउ द इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट में है ये? एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब ये n इक्वल टू फर्स्ट होगी मतलब ग्राउंड स्टेट, ये n इक्वल टू 2 होगी एक्साइटेड स्टेट, लेकिन n इक्वल टू 2 को हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट। ये याद रखना, n इक्वल टू 1 है आपकी फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 है आपकी सेकंड ऑर्बिट, लेकिन जब फर्स्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है, उस केस में हम n इक्वल टू 2 को क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 को क्या कहेंगे, सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिट। आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस बेटा, क्लियर है ना एक्साइटेड ऑर्बिट क्या है? तो ये हो जाएगी n इक्वल टू 2 आपके पास हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हैज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए यहाँ पे ये तो है मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो आपके पास जो मिनिमम पोटेंशियल है जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप कराने के लिए जो सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है इट इज मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच प्रोवाइड्स
the electron sufficient energy to move from n equal to 1 to n equal to 2. समझ गए होगे कि इनर ऑर्बिट से या फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी इसको चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पोटेंशियल एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जाने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोवाइड कर रहा है कौन सा पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल. तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सफिशिएंट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करने के लिए. एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दैट इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल. तो इस केस में जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 10.2 वोल्ट. जो आपके पास एनर्जी रहेगी वही आपके पास क्या रहेगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा. जिस ऑर्बिट से जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है, उन दोनों ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो रहेगी मिनिमम एनर्जी और वही रहेगा आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल. क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वॉइस में प्रॉब्लम है किसी और को भी? आवाज सुधा बोल रही है रुक रुक के आ रही है. बेटा एक बार अपना नेटवर्क भी चेक कर लो. सेकंड है आपके पास दूसरा पोटेंशियल दैट इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल. अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है वो समझते हैं. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जब एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ठीक है, तो उससे दो चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में एक्साइट कर सकता है, ये तो है वन प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस क्या हो सकता है, एटम जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो सेकंड थिंग क्या होगी, एक थिंग तो ये होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में मूव कर गया ठीक है. सेकंड क्या हो सकती है, जो एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे फ्रॉम द एटम, कि इलेक्ट्रॉन ही उस एटम से क्या आ जाए, बाहर आ जाए, रिमूव हो जाए. समझ गए, व्हाटएवर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एटम, बाय दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी देयर कैन बी टू थिंग्स. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2 और एनी अदर हायर ऑर्बिट. एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है आउटर ऑर्बिट में, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, गेन किया है. दूसरा क्या कर सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैन बी नॉकआउट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम की सरफेस को लीव कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, लीव करके बाहर आ सकता है ठीक है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो. तो यहाँ पे जो सेकंड केस होगा कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, बाहर आ जाए, लीव कर जाए इसकी सरफेस को, तो उसमें जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो आयनाइजेशन का फिनोमिना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, कि एटम को जो एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब की, बाय दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन. और इसके लिए जो मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो चाहिए, जो मिनिमम एक्सेलरेशन पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन लीव द सरफेस, उस मिनिमम पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच वुड प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉन sufficient energy to remove it from the atom. कि एटम से इसको क्या ले ले, क्या कर ले, ये रिमूव कर ले, वो मिनिमम पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे. नाउ यू नो
कि जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सी एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट। तो उसको अगर हमें इस ग्राउंड स्टेट से बाहर लाना है तो हाउ मच एनर्जी डू वी हैव टू प्रोवाइड, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिनिमम एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो भी हो जाएगा 13.6 वोल्ट। और आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा, उसको हम डिनोट करेंगे V से, और ये होगा 13.6। अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 13.6 Z। आपको पता है जो भी एटम होगा उसका न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर वोल्ट्स। तो ये आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। Z की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रखिए, वो आपको क्या मिल जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। बेटा ये दोनों टॉपिक क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल। याद रखिए एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो जो मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एटम की सरफेस से नॉकआउट करने के लिए, बाहर लाने के लिए जो भी मिनिमम पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो चाहे एक्साइटेशन पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, चले आगे। अब यहां से आपके पास जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, आपका एटम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एटम के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे रेडियस निकालना है बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, वेलोसिटी निकालनी है, वो आप सब कर ही लोगे, ठीक है। एट द एंड में हम इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इज अबाउट एटम एंड एटम कंप्लीट। सो सेकंड पार्ट है इसका न्यूक्लियस। अब आपके पास यूनिट चल रही है 8th, यूनिट का नेम था एटम एंड न्यूक्लियाई। अब एटम कंप्लीट हो गया है, एटम के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, डिफरेंट जो मॉडल्स थे वो हमने स्टडी कर लिया है, प्लम पुडिंग मेथड था, सॉरी मॉडल था, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, उसके बाद आपके पास बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बोर की भी एटॉमिक मॉडल की कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हमने देखी, उसके बाद हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा, एक्साइटेशन पोटेंशियल देखा, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स देखी, रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी, वहां से वो सब करके आपका एटम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस के बारे में भी आप स्टडी कर चुके हो, कैसे, क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटम मॉडल था उसमें किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की। सो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, बताइए कौन से साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड इसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी? रदरफोर्ड ने ही जो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, जो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डिस्कवरी हुई थी किसकी, न्यूक्लियस की। हमने देखा था कि एटम के अंदर जो सेंट्रल कोर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जहां पे एंटायर पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड, एंड अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, यही देखा था। और ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस कैसी थी, एम्प्टी स्पेस थी। सो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन ईयर 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमने देखा था कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो हेडोन कोलाइड करने वाला था, और कोलिशन हुए बगैर ही यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि वो 180 डिग्री पे सेम पाथ पे क्या हो गया था,
वापस आ गया था, तो हमने ये अज्यूम किया था कि यहाँ पे कोई इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, कोई तो ऐसा पार्टिकल है यहाँ पे जिस जो इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर, और वो कौन सा फोर्स था? रिपल्शन का, क्योंकि अल्फा के ऊपर प्लस टू, न्यूक्लियस के ऊपर हमें पता है गोल्ड का न्यूक्लियस लिया था हमने, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये 100 डिग्री पे, 180 डिग्री पे क्या आ गया था? रिटर्न बैक हो गया था। ठीक है, तो ये सब स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ से आपके पास डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज आप सब जानते हो इसके बारे में। तो न्यूक्लियस का जो साइज था वो कितना था? 10^-15 meters। एटम का जो साइज था वो कितना था? 10^? यस टेल मी, एटम का साइज कितना था? -10। 10^-10 meters। तो जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज से क्या है? कम है। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी क्या करने वाले हैं? स्टडी हम ये करेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। ये हमें आज पता है कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। लेकिन इनिशियल में ये नहीं पता था। इनिशियल में न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इनिशियल में अलग अलग हाइपोथेसिस आई। किसी ने बताया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी। तो इनिशियल में ये माना गया कि प्रोटॉन के अंदर क्या है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर दूसरी हाइपोथेसिस आई कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो इस तरीके से हमें एक तो ये स्टडी करना है कि न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, किस किस से बना हुआ है न्यूक्लियस, उनके बीच की फोर्सेस। ठीक है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मासेस, समझ गए होंगे, एटॉमिक मासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम यूनिट्स स्टडी करेंगे वो क्या क्या होंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट टॉपिक अपना स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, और सबसे पहले स्टडी करेंगे एटॉमिक मासेस के बारे में। अब एटॉमिक मासेस का मतलब क्या है कि एटॉमिक मासेस एक एलिमेंट है, उसके एटॉमिक मासेस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से यूनिट हम यूज करेंगे। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। Mass spectrometer, it is an instrument which is used to determine accurately the atomic masses. कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, प्रोटोन का मास कितना था, न्यूट्रॉन का मास कितना था, और वो यूनिट जिसके अंदर इन एटॉमिक मासेस को मेजर किया गया, उस यूनिट को हम यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जब स्टडी करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास एटॉमिक मासेस होंगे, सपोज प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, वो कौन से यूनिट के अंदर हम डिफाइन करेंगे, तो वो यूनिट हमारे पास रहेगी एटॉमिक मास यूनिट, AMU, और वी कैन कॉल इट यू, जस्ट यू, मतलब यूनिफाइड यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है बेटा, देखिए एटॉमिक मासेस मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलके आपका जो न्यूक्लियस है, उन सब के मासेस को हम डिफाइन करेंगे, सॉरी डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर करेंगे वो यूनिट क्या होगी, हम यूनिट मेजर करेंगे किसमें, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, AMU, और हम बोल सकते हैं यूनिफाइड मास यूनिट, सिंपली यू। ठीक है, अब ये जो यू है या एटॉमिक मास यूनिट और यू दोनों सेम है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपके पास वन एटॉमिक यूनिट और सिंपली वन AMU कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 AMU और यूनिफाइड मास यूनिट इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनना, इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम किसका, कार्बन
आपको पता है एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना होगा 12, आइसोटोप। मतलब एम वन एम ए एम यू किसके इक्वल होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन का अगर हम एक आइसोटोप ले ले तो उस कार्बन के एक एटम के 1/12 होगा क्या, 1 AMU। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, कि कार्बन का एक आइसोटोप के एक एटम के 1/12 बन जाएगा क्या, 1 AMU। ये चीज समझ आई, 1 AMU क्या है? Yes, फिर से बताऊं? Yes, ma'am. देखो अभी थोड़ा सा इसके बारे में जब हम न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो आप समझ जाओगे कि 1 AMU का मतलब क्या है। देखो इसको लिखेंगे कैसे, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 यही होता है एवोगैड्रो नंबर। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि मास ऑफ 6.023 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन वो कितना होगा, वो हो जाएगा 12 ग्राम। कि मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12 ग्राम इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर हम ये निकालना चाहें, ये तो किसका मास है, 6.023 × 10⁻²³ एटम्स का। अगर हम एक एटम का मास निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये निकालें मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप जिसका मास नंबर कितना है 12, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 12/ में ये आ जाएगा, समझ रहे हो ना, मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन 12, ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम। अगर हमें एक एटम का मास निकालना हो तो वो हो जाएगा आपके पास 12/6.023 × 10⁻²³, और ये हो जाएगा ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्राम्स है। सपना समझ आ रहा है? तो बाय डेफिनेशन आपके पास 1 AMU क्या था, 1 AMU था 1/12 of mass of one atom of carbon isotope with mass number 12, यही था। तो यहाँ पे ये जो है ये आपके पास यही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/12 × 12 / 6.023 × 10⁻²³। किसी को कोई डाउट, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.66 × 10⁻²-24, और ये हो गया ग्राम्स। तो 1 AMU किसके इक्वल आ गया, 1 AMU आ गया आपके पास 1.66 × 10⁻²-24 ग्राम्स। किसी को कोई डाउट, फिर से बताना है, एवोगैड्रो नंबर आप सबको पता है 6.023 × 10⁻²³। मास ऑफ 6.023 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन आइसोटोप्स विद मास नंबर 12, वो कितना होगा, 12 ग्राम के इक्वल होगा। अगर ये तो इतने एटम्स हैं, अगर हमें एक एटम का मास निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, इतना ग्राम्स, 12/6.023 × 10⁻²³, और आंसर किस में आ जाएगा, मास ग्राम्स के अंदर। अब 1 AMU की डेफिनेशन क्या है, 1 atomic mass unit इक्वल होगा कार्बन के 1 atom के मास के 1/12, तो ये हमने लिख दिया 1/12 into mass of 1 atom of carbon, और mass of 1 atom of carbon ये है, तो इससे मल्टीप्लाई करके हमने देखा 1 AMU किसके इक्वल आ गया, 1.66 × 10⁻²-24 ग्राम्स। अगर आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे और वो 1000 ऊपर जाके न्यूमरेटर में 10⁻³ आ जाएगा, तो ये आपके पास होगा 1.66 × 10⁻²-27 केजी, और ये हो गया 1 AMU। किसी को कोई डाउट है तो यही पूछ लीजिए, क्लियर है, चले आगे। ओके, अब हमें ना बस एक दो रिलेशंस करने हैं। अब हमने देख लिया कि 1 AMU किसके बराबर होता है, यहां से
हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, एएमयू की डेफिनेशन में एएमयू अगर यूनिट ले तो देखो 1 AMU वो इक्वल आ गया आपके पास 1.66 × 10⁻²⁷ केजी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर निकाले कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस जो AMU की टर्म्स में अगर हम निकाले, अगर हम यूनिट क्या ले ले, यू ले ले, यूनिफाइड यूनिट या AMU ले ले, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैसे कितना लिखते हैं 9.1 × 10⁻³ केजी, केजी में तो ये लिखते हैं, लेकिन अगर लास्ट में हम AMU लगाएं तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.00055 U, इसको आप याद कर ले, ठीक है। मास ऑफ प्रोटोन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटोन हम लिखते थे 1.67 कुछ करके लिखते थे × 10⁻²⁷ केजी, यही लिखते थे। अब यू के टर्म्स में या AMU के टर्म्स में कितना होगा, ये होगा 0.0073 और ये हो जाएगी यूनिफाइड यूनिट यू। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटोन हो गया, आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, वो हो जाएगा 0.0078 यूनिट्स। अब आप देखें यहाँ से मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली ग्रेटर है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। तो ये आप तीनों चारों यूनिट्स जो हैं यू के टर्म्स में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा और न्यूट्रॉन क्या होगा और 1 AMU किसके इक्वल होगा, ये थोड़ा सा रिमाइंड कर ले, ठीक है। चले आगे, क्लियर है ना, इसमें देखिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट तभी समझ आएगा जब ये छोटी छोटी चीजें जो है इनको आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, आप सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये सबको पता है। यहाँ से अगर हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाले तो ये भी आपको पता है, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे इसके ऊपर, ये हो जाएगा −19 कूलम × 10⁻⁶, यही लिखा था, तो ये आपके पास आएगा 1.6 × 10⁻⁶ माइनस कितना आएगा, ये 13 हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा, जूल्स में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें चेंज करना हो किस में, जूल्स में, तो बेटा माइक ऑफ करें, ये आपके पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होगा, 1.6 × 10⁻³ जूल्स। माइक ऑन है किसी का, बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ करें, ये कोमल अपना माइक ऑफ करना। अब हमें रिलेशन निकालना है, ओके, रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल टू क्या है, MC² M इज अगर हम यहाँ पे ले लें कि E इज एनर्जी, M यहाँ पे, M को अगर हम यहाँ पे 1 AMU के बराबर ले लें तो वो हमारे पास होगा 1.66 × 10⁻²⁷ केजी, ठीक है। यहाँ से C की वैल्यू हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ले ले तो आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास होगा 1.66 × 10⁻²⁷ E into C स्क्वायर 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये एनर्जी जूल्स में ही होगी, ये आपके पास होगा 1.49 × 10⁻¹⁰ और ये हो जाएगा जूल्स, ठीक है। इतने जूल्स एनर्जी आ गई। अब हमें रिलेशन निकालना है AMU और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जूल से अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे,
1.6 इनटू 10 टू द पावर, क्योंकि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल्स के इक्वल है। तो जूल से अगर आपको इसमें चेंज करना है तो 1/1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और फिर ये आंसर किस में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 931.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU किसके इक्वल आ गया, 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये रिलेशन भी आप याद रख ले, ठीक है बेटा। क्या किया, रिलेशन निकाला था AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। हमें पता है E इक्वल टू MC स्क्वायर है, यहाँ पे हमने M क्या ले लिया, जो 1 AMU का मास होगा वो, तो वो है 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, अभी हमने निकाला। C is 3 into 10 to the power 8 meter per second square, दोनों की वैल्यू रखी, E equal to M, M is 1.6 into 10 to the power minus 27, C square, ठीक है, ये आंसर आ गया जूल्स में। अब आपको पता है 1 mega electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 joules. अब 1 joule किसके equal हो जाएगा, 1/1.6 into 10 to the power minus 13 mega electron volt. उसे divide कर दिया, this is the answer. कोई doubt किसी को? Doubt है तो discuss कर लीजिए, कोई बात नहीं बेटा, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम यहाँ पे समझ गए हो एटॉमिक मासेस को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम स्टडी करेंगे सेकंड टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये सब देखिए थ्योरी के टॉपिक्स है, आपकी बुक्स में एज इट इज गिवन है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से आप समझते हो कि व्हाट इज दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस किससे मिलके बना हुआ है। देखिए हमने एटम के अंदर तो ये स्टडी किया था कि एटम का मॉडल क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमने मॉडल स्टडी किए थे कि एटम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये तो हमें नहीं पता प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स था, हमें सिर्फ ये पता था कि एक तो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिमूव कर रहे हैं, सॉरी रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज था सेंट्रल कोर के ऊपर जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे थे, इस न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है, ये किस किस से मिलके बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए बहुत सारी हाइपोथेसिस दी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और उन डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस में से जो सबसे दो इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी करनी है वो है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस और दूसरी है आपके पास प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो आप समझ गए होंगे प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में मतलब यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटोन से और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और ये हाइपोथेसिस है प्रोटोन न्यूट्रॉन की, दैट मींस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है बेटा। लेकिन अब आपको पता है एक हाइपोथेसिस हम स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और दूसरी स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमें पता है ये फाइनल हाइपोथेसिस है क्योंकि आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, इसी से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब जो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी वो कुछ रीजंस की वजह से क्या हुई होगी, फेल हुई होगी, तो उन्हीं रीजंस को हमें फाइंड आउट करना है, समझना है। और ऑब्वियसली जो प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस थी उसने इसके जो शॉर्टकमिंग्स रही हैं उनको रिमूव किया होगा और एक नई हाइपोथेसिस दी होगी, ठीक है। तो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन जो हाइपोथेसिस थी उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे ये जो हाइपोथेसिस थी दिस वॉज गिवन इन ईयर 1930, ठीक है। एंड ये जो हाइपोथेसिस थी दिस वॉज गिवन एज कि जो अल्फा जो न्यूक्लियस है वो अगर हम किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस अगर हम ले लें तो वो न्यूक्लियस जो है उस जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उसमें से रेडियो एक्टिव रेस का एमिशन होगा, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे इस एलिमेंट का डीके होगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, और जब डिसइंटीग्रेट होगा तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा सबसे पहले,
और न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होगा तो वहां पे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का एमिशन देखा गया, ठीक है। और ये माना गया कि जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, इनका सोर्स है वो क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ये माना गया कि जो प्रोटोन है उसके पास 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव फंडामेंटल चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज है। मतलब इसके ऊपर, प्रोटोन के ऊपर एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ये इस हाइपोथेसिस में स्टडी किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर है उसको लिया गया ए, ए इज एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जिसमें सॉरी एटॉमिक नंबर ए नहीं जेड लिया गया, जेड इज द एटॉमिक एटॉमिक मास नंबर इज ए, जेड इज एटॉमिक नंबर, मतलब जो आपके पास प्रोटॉन्स का चार्ज होता है वो। और यहाँ पे ये माना गया कि एटॉमिक मास में से, मतलब ए में से अगर हम जेड को माइनस कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, ए क्या है, मास नंबर, जेड क्या माना गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए माइनस जेड जो बचे आपके पास वो क्या, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम रही वो क्या प्रॉब्लम रही, वो ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसने, इस हाइपोथेसिस ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया गया। दूसरा पॉइंट ये दिया गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, रिवॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन के कितने रोल बता दिए, ड्यूअल रोल बता दिए, कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से भी मिलके बना हुआ है। और दूसरा ये बताया कि यहाँ पे ए माइनस जेड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे ये सबसे मेन ड्रॉबैक रही इस हाइपोथेसिस की, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल रोल नहीं प्ले कर सकता, कि वो प्रोटॉन इसका न्यूक्लियस का कंपोजिशन पार्ट भी बने, ठीक है, कि वो न्यूक्लियस के अंदर भी रहे और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करे। बिकॉज हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में होता है। इसी चीज की वजह से ये इसकी मेन शॉर्टकमिंग थी इस हाइपोथेसिस की, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई। क्या कि इलेक्ट्रॉन, द प्रेजेंस ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, कि वो इनसाइड भी रहे न्यूक्लियस के, और कुछ ऐसे होंगे, कुछ तो न्यूक्लियस के अंदर है, जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, जो कि क्या है, डिफिकल्ट है इमेजिन करना, विजुअलाइज करना। एक तो शॉर्टकमिंग ये, सेकेंड शॉर्टकमिंग ये कि जो डी ब्रॉय थे, आपको पता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हमने स्टडी किया था, तो जो डी ब्रॉय थे वो एंड सेकेंड साइंटिस्ट हेसनबर्ग, जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस थी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय एंड हेसनबर्ग के अकॉर्डिंग जो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उन्होंने ये बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इनसाइड अगर एग्जिस्ट करना है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। हाउ मच एनर्जी, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस शुड बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट हैज टू सर्वाइव इनसाइड द न्यूक्लियस। बट ये देखा गया कि जब बीटा डीके के अंदर, अभी हम स्टडी करेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, बीटा डीके के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, बीटा डीके के अंदर हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो वहां पे जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी दैट वाज रेंजिंग फ्रॉम 2 टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, ये ओरिजिनल एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी विच इज फाउंडेड इन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, बट इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर सर्वाइव करना है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए. अब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं हो सकता. तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एक कॉम्पोजिशन है किसका, न्यूक्लियस का, ये थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई. और इसके बाद थ्योरी आई कौन सी, प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. एक चीज और देखिए, जब ये थ्योरी आई थी प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था. ठीक है, अब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं होता तो इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि प्रोटोन जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट हो सकता है, न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन हो सकता है. ठीक है, अब प्रोटोन इलेक्ट्रॉन जब रिजेक्ट हो गया तो सोचना शुरू किया डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाय द साइंटिस्ट चैडविक. ठीक है, और 1932 के अंदर किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की. और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद जो सेकेंड हाइपोथेसिस है, प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एलिमेंट जिसका मास नंबर कितना है, ए, ठीक है, उसमें जेड प्रोटॉन्स होंगे और ए माइनस जेड क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, और इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. अब कल इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है बेटा, कोई डाउट है किसी को?